हेलो दोस्तों, मेरा नाम शुभम एंड वेलकम बैक टू टेक शुभम। सो गाइस, हम लोग आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में हुआवे की तरफ से आने वाले एक ब्रांड स्मार्टफोन यानी कि हुआवे P40 Lite। सो गाइस, आपको ये बता दूं कि ये मोबाइल 5G है या 4G है। तो गाइस, इसमें 5G सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलने वाली है, 4G सपोर्ट इसमें देखने को मिलने वाली है। सो गाइस, आप लोग ये बता दूं कि हुआवे अपनी कंपनी के काफ़ी स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करती रहती है और उसमें से आज एक नया लॉन्च इंडिया में होने वाला है एक स्मार्टफोन हुआवे P40 Lite। सो गाइस, हुआवे की पी सीरीज काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की कॉस्टली स्मार्टफोन मिलते हैं इसमें। और तो अब बात कर लेते हैं इसमें इसकी रेंज, तो रेंज को कम करने के लिए एक इंडियन मार्केट में जल्दी ही अवेलेबल होने वाला है हुआवे P40 Lite। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना कोई देर के। सो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें अपनी डिज़ाइन के बारे में। इस मोबाइल की डिज़ाइन आपको काफ़ी शानदार थिनर ग्लासी डिज़ाइन आपको इसमें बैक में यानी कि रियर में मिलने वाली है। सो गाइस, इसमें आपको 3 कलर सबको अवेलेबल है। पहला कलर आपको मिलने वाला है ब्लैक, सेकंड मिल जाएगा आपको इसमें पिंक और थर्ड कलर आपको मिलने वाला है ग्रीन। काफ़ी शानदार कलर है गाइस। तो अब बात कर लेते हैं इसकी डिस्प्ले के, तो डिस्प्ले में आपको मिलने वाली है 6.4 इंचेस की पंच होल IPS LCD डिस्प्ले और 403 PPI पिक्सल डेंसिटी के साथ। टच स्क्रीन की बात करें तो आपको इसमें मिलने वाली है कैपेसिटिव टच स्क्रीन मल्टी टच के साथ इसमें देखने को मिलेगी। काफ़ी शानदार इसमें टच स्क्रीन है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। सो गाइस, इसमें आपको मिलने वाली 5G परफॉर्मेंस के साथ ही सिलिकॉन क्रीन 810 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, इसमें आपको बिल्कुल भी लैगिंग प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली है, आपका गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी शानदार होने वाला है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके स्टोरेज के बारे में। तो गाइस, इसमें आपको स्टोरेज में मिलने वाली है 4GB रैम और 128GB रोम के साथ। तो गाइस, इसमें आप इसको एक्सपेंडेबल कर सकते हो माइक्रो SD कार्ड के साथ। 256GB तक आपको इसमें एक्सपेंडेबल इसमें सपोर्ट मिलती है। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं इसके मेन कैमरा सेटअप के बारे में। सो गाइस, इसमें आपको मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में एक क्वाड कैमरा सेटअप, जिसमें आपको मिलने वाला है 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा 1.8 अपचर के साथ और 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा या अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा 2.4 अपचर के साथ। 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा 2.4 के अपचर के साथ इसमें देखने को मिलने वाला है। फोर्थ कैमरा आपको इसमें मिलने वाला है 2 मेगापिक्सल के डेप्थ कैमरा सेंसर के साथ 2.4 अपचर के साथ। और गाइस, इसमें मिलने वाली आपको एक LED फ्लैशलाइट नाइट में आपको फोटोग्राफी करने के लिए। तो इसमें अब बात कर लेते हैं फ्रंट कैमरा सेटअप के बारे में। तो फ्रंट कैमरा सेटअप में आपको इसमें मिलने वाला है सिंगल कैमरा 16 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा के साथ इसमें 2.0 के अपचर के साथ। और गाइस, अब बात कर लेते हैं इसके बैटरी लाइफ के बारे में। तो आपको इसमें मिलने वाली गाइस 40 वोट की सुपर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 4200 mAh की बैटरी, जो आपके इस स्मार्टफोन को लगभग 30 मिनट में 70% चार्ज आपको इसमें आसानी से कर देगी। और दोस्तों, इसमें काफ़ी शानदार आपको बैटरी लॉन्ग लाइफ इसमें होने वाली है, जो आपकी गेमिंग लाइफ लाइन को ज़्यादा बढ़ा देगी। और गाइस, अब बात कर लेते हैं इसमें मल्टीमीडिया के बारे में। तो मल्टीमीडिया उसमें आपको मिलने वाला है एक लाउड स्पीकर मिल जाता है, 3.5mm का ऑडियो जैक मिल जाता है और इसमें आपको टाइप सी USB पोर्ट देखने को मिल जाती है। स्पेशल फीचर्स की बात करें तो सिक्योरिटी के लिए आपको इसमें मिलने वाला है साइड में एक फिंगरप्रिंट, जो आपकी मोबाइल की सिक्योरिटी को बढ़ा देगा। और अदर सेंसर की बात करें तो इसमें आपको मिलने वाला है गाइस लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलरोमीटर सेंसर, कंपास सेंसर देखने को मिल जाता है। सो गाइस, फाइनली बात कर लेते हैं इंडिया में इसकी प्राइस के बारे में, किसकी कितनी प्राइस होने वाली है। तो गाइस, इसकी कोई एग्जैक्ट प्राइस अभी सामने निकल कर नहीं आई है। वैसे तो इंडिया में इसकी 6GB रैम और 128GB रोम की प्राइस लगभग 24,000 रुपये हो सकती है गाइस। वैसे तो ये प्राइस कन्फर्म है। और गाइस, अब फाइनली बात कर लेते हैं इसके इंडिया में लॉन्चिंग डेट की, इंडिया में कब लॉन्च होगा। सो गाइस, इंडिया में ये लगभग मई के लास्ट में या फिर जून के 25 जून तक इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। तो गाइस, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो गाइस, चलते हैं इस वीडियो से, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।